व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज से बहुत दिनों बाद वीडियो बनाते हुए दोबारा एक बार ऑलमोस्ट अ मंथ लेटर मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो शूट हो रहा है दिल्ली से। तो अभी हम दिल्ली में हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे DMs ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर द DM फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, एंड आई एम हैप्पी दैट आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं DM में कि यार बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाए आपने, हमारे थोड़े से क्वेरीज और हैं वो और सॉल्व कर दो, या आई वॉन्ट टॉक टू यू। तो यार बहुत मुश्किल होता है कि सबके DM के मैं रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि DM भी होते हैं और YouTube पे कमेंट्स सेक्शंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बेटर होगा अगर आप DM भी करें मुझे Instagram पे, तो बेटर है कि अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़ दें DM में, क्योंकि अगर मैं DM में आपका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मुझे लगता है कि वो वर्थ है और बहुत सारे लोगों को इससे कुछ वैल्यू मिल सकती है। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर दैट क्वेश्चन इन एनी ऑफ माई वीडियो, तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और एक कोई मेरे दोस्त है भाई मेरे शान दिल्ली से, जिनका एक कुछ सवाल है, काफ़ी 3-4 सवाल है, तो उन्होंने मेरे को DM किया था Instagram पे अगस्त में, ऑलमोस्ट अभी अगस्त ही चल रहा है फिलहाल जब मैं शूट कर रहा हूँ ये, तो अगस्त में उन्होंने DM किया था और उन्होंने उनका रिप्लाई नहीं कर पाया, पर मैंने सोचा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे उन्होंने, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो बेटर रहेगा। सो मेरे हिसाब से लेट्स बिगिन और इनकी सारी क्वेरीज सॉल्व करते हैं जो आपको भी बहुत हेल्प करने वाली हैं अगर आप प्लान कर रहे हो लातविया या फिर यूरोप में कोई भी कंट्री टू स्टडी और टू स्टे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई हमारे एक दिल्ली से हमारे भाई हैं शान, जिनका सवाल था 3-4 चीज़ें। सबसे पहला उनका सवाल था कि भाई मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई रेसिज्म होता है क्या उधर, क्योंकि यूरोप में UK, पोलैंड और स्वीडन में बहुत सारी कुछ रिसेंटली ऐसी कुछ घटना हुई है जिससे लगता है लोगों को कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ना रेसिस्ट लोग हर जगह मिल जाएंगे और कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग सनकी होंगे दिमाग से, कुछ कुछ हरकत कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में नहीं है, हर जगह है। तो आपको इस बात से डरना नहीं है कि भाई, और आपको ये नहीं सोचना कि वहाँ ऐसा होने वाला है, नहीं होता। मैंने लातविया में कहीं फेस नहीं किया ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर रेसिज्म अगेंस्ट मुस्लिम्स। थोड़ा कुछ 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 लोगों की मेंटालिटी होती है अगेंस्ट मुस्लिम्स, होती है, हर जगह होती है, और कुछ लोगों की मेंटालिटी अगेंस्ट इंडियंस ही बड़ी ख़राब है। तो आप ज़्यादातर फेस करोगे रेसिज्म जो आपको मतलब कलेक्टिवली देखा जाएगा एज एन इंडियन रादर देन बीइंग अ मुस्लिम। और मैं देखा कि एज अ बीइंग अ मुस्लिम दे मतलब आई थिंक द रिलीजन इज़ वेरी पर्सनल टू यू विच इज़ वेरी गुड एंड मतलब विच इज़ वेरी पर्सनल टू यू, इट इज़ कंसिडर्ड वेरी पर्सनल टू यू इन यूरोप, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से बिकॉज यूरोपियन बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स में बिलीव करते हैं, सम ऑफ देम आर क्रिश्चियंस, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, और बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस में भी बहुत सारी वैरायटी, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक, तो ये बहुत हैं। तो उनको ना ये दे हैव बीन गिवन इक्वल फ्रीडम टू प्रीच एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। और आप देखोगे कि इवन क्रिश्चियनिटी में भी आई वॉज देयर, और जब मैं वहाँ था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप यू कम टू क्रिश्चियनिटी दिस एंड दैट, और दे ट्राई टू यू नो प्रीच देयर रिलीजन, तो वो बताते हैं आपको कि यार आप क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाओ, जीसस इज़ द ओनली वे, और ये सारी चीज़ें, और विच इज़ ओके फॉर मी, और वो अपने बताते हैं ये सारी चीज़ें, और मुझे अलग अलग तरह के लोग मिले। तो मैंने कहा कि आई ऑलरेडी नो अ फ्रेंड मैथ्यू हु इज़ अ क्रिश्चियन एंड आई गो ऑफन टू चर्च बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही टेक्स मी टू द चर्च समटाइम्स, सो आई गो बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो मैं चला जाता हूँ उसके साथ चर्च में और मुझे ऐसी कोई इशू नहीं होता। और पर वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, वहाँ के जो फादर हैं मैं जानता हूँ, इवन मैगडला बाजने का मैं जो प्रीस्ट है ही इज़ माई फ्रेंड, तो मैं जानता हूँ उनको, तो बट ही हैज अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट क्रिश्चियनिटी या हु इज़ अ डिफरेंट बिलीफ, ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट, वी आर द ओनली वे टू गॉड, और ये सारी चीज़ें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे तरह के लोग हैं विथ अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम और डिफरेंट आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी, और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं और वो
दे आर इक्वल इक्वली मतलब दे आर इक्वली कंसिडर्ड टू बी दे आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डिफरेंट रिलीजन, बट एक रिलीजन में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग चीज़ें मानते हैं. जैसे कि मुसलमानों में भी शिया सुन्नी और बहुत सारी हमारे यहाँ सब कास्ट होती हैं, फिर हिंदू में भी होती हैं. तो मैंने कहीं नहीं देखा कि वो ऐसा बोल रहे हो कि भाई वो लोग गलत हैं, वो लोग तुम्हें क्यों बुला रहे हैं, ऐसा वैसा. एवरीबडी हैज देयर ओन वे टू प्रैक्टिस, और हर कोई अपनी मतलब एक तरीके से देखे दावत देता है कि यू कम टू द चर्च, यू कम टू द चर्च, और सबके अलग अलग चर्च हैं. तो आप वहाँ जाओगे तो वो दे विल ट्रीट यू डिफरेंट वे, दे विल प्रीच देयर रिलीजन इन अ डिफरेंट वे. तो वो हो रहा है वहाँ रीगा में काफ़ी, मैंने जो देखा. इवन इस्कॉन पीपल, इस्कॉन टेम्पल इज़ वेरी नाइस देयर, वेरी ब्यूटिफुल, और द वे दे हैव बीन मेंटेनिंग इस्कॉन टेम्पल इज कमेंडेबल. जिस तरीके से दे हैव बीन एबल टू शोकेस देयर यू नो शोकेस एंड मेंटेन देयर इस्कॉन टेम्पल की जो वो है आइडेंटिटी, उसको जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया वो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है. उन्होंने एक वो भी बना रखा है वहाँ, एक रेस्टोरेंट. तो इस्कॉन टेम्पल के जो भी लोग हैं जो खाना खाते हैं, वेज खाना खाना चाहते हैं, दे कैन गो देयर. तो मेरे हिसाब से उससे उनका वो जनरेट हो जाता होगा रेवेन्यू, जिससे उनका खर्चा निकल जाता है इस्कॉन टेम्पल का, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग डोनेशन देते होंगे. बाहर से तो ऑफकोर्स आता ही होगा. तो मेरा मतलब ये कि आप देखोगे इस्कॉन टेम्पल वाले भी आपको देखेंगे मिलेंगे कि हर हफ्ते वो आपको ढोल मंजीरे लेके दे, यू नो दे आर डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स विद धोती एंड एवरीथिंग. And some people have problem there. I know such Latvians which who doesn't like that. और उनको बड़ा irritation होता है इस बात से कि they are treated, they are you know propagating their religion, or they don't like it. और but मतलब police or from the constitution and from everybody else जो वहाँ का जो व्यवस्था है उसकी तरफ से they are treated with equal respect and they have their own way to do it. Nobody will stop you. So वो निकलती है बकायदा एक छोटी सी बारात उनकी, और बहुत सारे लोग उनके साथ डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं. सम पीपल ज्वाइन दैम जस्ट टू इन्जॉय, सम पीपल ज्वाइन दैम विथ यू नो एंगजाइटी एक्साइटमेंट सॉरी विथ एक्साइटमेंट कि वाओ दैट दे लुक सो ब्यूटिफुल. वो साड़ी में और धोती में होते हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. तो सम पीपल ज्वाइन दैम फॉर दैट, सम पीपल ज्वाइन दैम आउट ऑफ डिवोशन. सबका अपना अलग अलग पॉइंट है. मेरा मतलब इन शॉर्ट ये है कि भाई सब सारे धर्मों के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ दे ट्रीट. तो ऐसा कोई इशू नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है हर जगह, इसलिए मेरे हिसाब से पोलैंड में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, स्वीडन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई. बट ऑन अ जनरल लेवल, ऑन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब देखोगे तो आपको ये रेसिज्म अगेंस्ट कि आप मुस्लिम हो या आप इंडियन हो तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है. लातविया में तो नहीं दिखता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट पोलैंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पोलैंड में रहा नहीं. आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू पोलैंड वेरी ऑफन, बट मैं बहुत रुका नहीं वहाँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. तो लातविया में तो नहीं है, राइट. तो ये आपका एक सवाल का जवाब, आई थिंक दैट विल हेल्प यू. दूसरा आपका सवाल था कि यार आपको क्या लगता है वहाँ रुकना चाहिए. मोटा मोटा सवाल लेता हूँ मैं, जो दो तीन सवाल चार सवाल पूछे आपने उसमें से दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ रुकना चाहिए या फिर वापस आना चाहिए. तो मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल आई केम बैक, वैन आई विल गो बैक आई डोंट नो, आई हैव सम अदर थिंग्स टू डू एज वेल, सो आई एम परस्यूइंग राइट नाउ दैट. तो दैट कम्प्लीटली ऑन योर सिचुएशन कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है. अगर इफ़ यू आर एबल टू अर्न दैट मनी, जितना आप यहाँ कमा रहे हो उतना आप वहाँ कमा सकते हो, तो मतलब जितना आप वहाँ कमा रहे हो आप इंडिया में कमा सकते हो. तो आई थिंक द स्मार्ट वे विल बी टू कम बैक, बिकॉज आप जब यहाँ वापस आओगे तो आप यहाँ पैसा जोड़ ज़्यादा लोगे, वहाँ पैसा आपका जुड़ेगा कम, क्योंकि वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बेसिक एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया. तो अगर आप यहाँ कंजूसी से ज़्यादा रह सकते हो तो आप ज़्यादा पैसा जोड़ सकते हो, ज़्यादा पैसा जोड़ सकते हो तो इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, कि अगर आपको फ्यूचर में रिटायरमेंट लेना हो तो आप वहाँ जा सकते हो. तो फ्यूचर में रिटायरमेंट के लिए तो आई थिंक यूरोप इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, बिकॉज बिकॉज ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड क्लीन एयर एंड पॉल्यूशन फ्री एयर एंड ऑल दोज थिंग्स,
उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से यू कैन टेक योर डिसीजन। तो आपका कम्प्लीटली डिपेंड करता है, बड़ा सब्जेक्टिव है ये कि आपको यहाँ रुकना चाहिए या वापस आना चाहिए। इफ़ यू गेट अ PR ऑन अ जॉब लेवल तो आप काम कर सकते हो जॉब लेवल पे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सैलरी अगर हर साल इंक्रीमेंट या हर 2-3 साल में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, आपको लगता है इंडिया में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन यू कैन टेक योर डिसीजन अगेन कि आपको रुकना है नहीं रुकना है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों का ना ये होता है पर्सपेक्टिव कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना, बट आई वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ वेयर द एयर इज़ वेरी क्लीन एंड और लाइफ को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, लाइफ को मैं, पैसा जोड़ना मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, बट मैं लाइफ को इन्जॉय करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट होता है कि भाई पैसा कमाएंगे और इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे। फॉर दैट इफ यू आर एमिंग दैट देन आई थिंक यूरोप एक्चुअली गिव्स यू अ क्वाइट बैलेंस लाइफ, जहाँ आपको, आप कमाओगे, आप घूमोगे, आप इन्जॉय भी करोगे और आपके पैसे बचेंगे बहुत कम, बट आप अपनी लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करोगे। तो आप ये, अगर आपका आपका पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स लाइफ कि मुझे इन्जॉय करना है लाइफ को, और मतलब वही है कि कहते हैं ना कि आइसक्रीम तो मेल्ट हो रही है तो लाइफ तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो बिफोर द आइसक्रीम मेल्ट्स यू जस्ट ईट द आइसक्रीम वेल। तो अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो अपनी लाइफ को अच्छे से, और आपको इतना मैटर नहीं करता कि आपकी बहुत सारी सेविंग्स बुढ़ापे तक हुई या नहीं हुई, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। स्टार्टअप वीज़ा के बारे में एक और आपने सवाल किया था, स्टार्टअप वीज़ा आई हैव नो आइडिया, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है और बहुत सारे लोग इस पे सर्च कर रहे हैं कि स्टार्टअप वीज़ा, हाउ टू टेक अ स्टार्टअप वीज़ा फॉर यूरोप, तो उसके बारे में मेरे को भी आइडिया नहीं। इनफैक्ट अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो किसी को भी, मैं किसी भी भाई को, तो ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड देन वी कैन डू अ वीडियो कॉल और समथिंग, एंड आई विल हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाएगी, हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्टार्टअप वीज़ा, हाउ टू स्टे देयर ऑन अ स्टार्टअप वीज़ा, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कितने महीने का वीज़ा मिलता है, कितने साल का वीज़ा मिलता है, और क्या उसमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लिव देयर, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को हेल्प कर जाएंगी। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। आई विल ट्राई कि मैं और वीडियोज़ आगे बना पाऊँ और लगातार और भी इन्फॉर्मेशन के साथ वापस आ पाऊँ इस चैनल पर। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस to me on my YouTube channel as well as on my Instagram. Keep connected to me so that we can come up with more questions. जैसे DM में आते हैं, मैं और questions का query लेके आऊँगा साथ, और keep posting, keep enjoying, and I hope you will have an amazing journey if you are planning your journey to Europe. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. In my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.